आज कोई गुड न्यूज नहीं है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख महसूस हो सकता है, और मैं जब से इस विषय पे थोड़ा सा भी नॉलेज अगर मुझे पता चला, ये विषय जो सबसे पहले मुझे आप लोग के थ्रू मेरे तक पहुंचा, तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। और मैं स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तरह से सेंसिटिव वीडियो है, या तो आप शुरू में ही हट निकल जाओ यहां से, या तो आप इसको एंड तक देखो, क्योंकि ये गड़बड़ी के ऊपर है, जिस गड़बड़ी से हजारों बच्चों का जो लाइफ है, जो करियर है, वो बर्बाद हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो BHU एडमिनिस्ट्रेशन तक भी जाना चाहिए, और खासकर CAC के जो मेंबर्स हैं उन तक जरूर जाना चाहिए। और CAC के मेंबर्स भी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे कि आप भी अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मुझे पता है कि आपके CAC के जो मेंबर्स हैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी सालों से हो सकता है कि एडमिशन के लिए वो काम कर रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बहुत सारी नॉलेज रखने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हो, और उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस टाइप का एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है, डियर एप्लीकेंट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज क्लोज्ड सक्सेसफुली, इफ यू थिंक वी मिस्ड योर पेमेंट। अच्छा, ये तो एक उनका मैसेज है जिनका पेमेंट मिस हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये ले आते हैं, वो काम का नहीं है, ठीक है, उसको अभी मैं लग रहा है गलत स्क्रीनशॉट जोड़ दिया। ये है जब किसी बच्चे का विड्रॉल करने जा रहा है तो विड्रॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये एक हो गया। एक यहाँ पे और मुझे स्क्रीनशॉट जोड़ना चाहिए था, वो मैं जोड़ नहीं पाया। एक यहाँ पे मुझे और स्क्रीनशॉट जोड़ना चाहिए था जहां पे बच्चे कोर्स ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, और यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। और अभी तक जब तक इस पे प्रशासन जो है अनजाने में ये काम कर रही है, तब तक तो मैं इसको गड़बड़ी बोल रहा हूं, लेकिन जब ये जानबूझ के करेगी तो कहीं ना कहीं इसको स्कैम बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने विड्रॉल ऑप्शन अभी 17 तारीख तक विड्रॉल ऑप्शन बंद करके रखा हुआ है। बच्चों के जितने भी कोर्स ऑफ ट्रांसफर्स के ऑप्शन हैं, वहां पर इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है। मतलब एक बार बच्चा एक कोर्स ले लिया, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसको एक कोर्स मिल गया BHU में, वो है MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इसका पेमेंट उसने डन कर दिया है, ठीक है, MA पॉलिटिकल साइंस का पेमेंट बच्चे ने डन कर दिया है। अब सपोज अभी बच्चों को तो अभी से कोर्स अलोकेशन आने लगे हैं सेकंड कोर्सेज के, लेकिन मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि लॉ का कोर्स अलोकेशन बच्चों को अगर जाएगा, सेम बच्चे को पॉलिटिकल साइंस मिला हुआ है सबसे फर्स्ट राउंड में, और एक दो दिनों बाद जब लॉ का वेरिफिकेशन हुआ और उस कट ऑफ में कोई बच्चा, सेम बच्चा आ रहा है, लॉ का बच्चा आ रहा है, अगर उसको पेमेंट जाना चाहिए तो पेमेंट जा रहा है, लेकिन नॉट अलाउड बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी एक पेमेंट कर रखी है, इसलिए आपको अलाउड नहीं किया जाएगा दूसरे कोर्स में। एक बात बताओ मुझे, यहां पर मैंने लिख रखा है नो पेमेंट, नो पॉपअप मैसेज वाइल पेमेंट, यानी कि आप क्या कोई मैसेज बच्चों को दिए थे जब वो पेमेंट पहला वाला कर रहा था, जब वो ये वाला पेमेंट कर रहा था पॉलिटिकल साइंस का, तब क्या बच्चों को आपने कोई पॉपअप मैसेज दिया, या कोई वहां पे वार्निंग मैसेज, या कोई भी किसी तरीके का नोटिफिकेशन ये स्क्रीन पे आपने नहीं दिया? कई सारे बच्चों के पेमेंट मैंने खुद किए हैं, किसी भी इस टाइप के कोई मैसेज नहीं मिला होगा। जाहिर सी बात है ये एक तरह से मनमानी हुआ कि आप उसको बाध्य कर रहे हो कि आपको फर्स्ट राउंड में जो सब्जेक्ट्स मिल गया उसी के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ बात बस उन बच्चों की नहीं है जो कि दो कोर्स लेके चल रहे हैं, यहाँ हर एक बच्चे पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये बच्चा MA पॉलिटिकल छोड़ के लॉ में आता तो यहाँ पे अपग्रेडेशन होता, ये सीट किसी कम नंबर वाले बच्चे को मिल सकती थी, लेकिन ये बैरिकेडिंग किसी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है, BHU के इतिहास में भी अलाउड नहीं था, ये लास्ट ईयर CAC भी इसको अलाउड हमेशा से परमिशन दे रखी है कि कोर्स ट्रांसफर हो सकता है, इसके पहले भी एडमिशन कमेटी जो है वो परमिशन दे रखी थी कि एडमिशन अलाउड है। अचानक से ये न्यू पॉलिसी अगर आई तो ये पॉलिसी पेमेंट के टाइम पे नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि CAC का जो कैटलॉग है, जो उतना बड़ा प्रॉस्पेक्टस है, वो कॉमन स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा भाई, उसमें तो बहुत सारी चीजें रहती है, उसमें तो बहुत सारी चीजें उनके लिए भी है, आपके टीम मेंबर के लिए भी है। स्टूडेंट्स को ये कहीं भी वार नहीं किया गया है कि ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि पहला पेमेंट कर दोगे तो दूसरे पेमेंट नहीं कर पाओगे, जो कि ये पूरे उसके करियर के लिए डिसीजन एक बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा हेडलाइन वहां पर लिखा होना चाहिए था कि भाई देख, एक बार पेमेंट कर दोगे तो दोबारा हम पेमेंट नहीं करने देंगे। तो और दूसरी पॉइंट मैंने यहां पे लिख रखी है, कोर्स अलोकेशन, आपने जब फॉर्म भरवाया था तो उस समय आपने सब्जेक्ट के प्रेफरेंस भरवाए थे, जैसे कि पेड रेगुलर, एफिलेटेड FMC, लेकिन आपने कोई कोर्स का प्रेफरेंस नहीं भरवाया था। और आपने अगर कोर्स का प्रेफरेंस नहीं भरवाया है तो आप इस चीज की दावेदारी नहीं कर सकते हो कि एक बच्चा जो है उसको हमने पॉलिटिकल साइंस इस बेसिस पे दे दिया है क्योंकि उसने पॉलिटिकल साइंस को टॉप पे रखा था।
मानता कि चलो बच्चों से प्रेफरेंसेस लिए हैं इसलिए आपने उसको टॉप पे दिया है, लेकिन ये मनमाना है कि आप उसको बाध कर रहे हो कि आपको जो फर्स्ट पेमेंट मिला है आप उसको सेकंड में नहीं जाने दोगे। अब मैं ये चाहूंगा कि सीएससी इस चीज को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करे, और ये कोई सेटिस्फेक्शन देने वाली बात भी नहीं है, इस पे तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए कि ये चीज अलाउ करो। ये वेलफेयरनेस के लिए भी आपको अलाउ करना पड़ेगा, इथिक्स मोरालिटी के लिए अलाउ करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए अलाउ करना पड़ेगा। ये बहुत मनमाना हुआ, आप अगर खुद थोड़े भी कॉन्शियस माइंड के सीएससी मेंबर्स हैं तो वो बीएचयू के मेंबर्स प्लीज बैठ के आप सोचो कि ये कितनी बड़ी गलती है। आपको नहीं लग रहा है कि पूरे एडमिशन सिस्टम को बदलने वाली बात है? ये एक तरह से मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन भी नहीं होगा, कई सारी चीजों को कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, कई सारी चीजों को लैग कर जाएगा। भाई ये चीजें आपने फिर क्यों स्टार्टिंग में बच्चों के फॉर्म के टाइम पे ही दे रखी थी कि आप मल्टीपल कोर्सेज भर सकते हो हमारे यहाँ? भाई बच्चा क्या है, बच्चा तो सोचेगा ना कि हमें पहला पेमेंट आया है, और आपने जब पहला पेमेंट आया तो आपने खुद इस तरीके के मैसेज पॉपअप कराए थे कि देखो पेमेंट करो, मतलब एक तरह का था ना कि पेमेंट करने के बाद आपको ये सीट मिल जाएगी, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो पेमेंट आप कर दो, इस तरीके के बाद बच्चे नहीं पेमेंट किया था। इसमें वहां पे भी नहीं लिखा था कि आप ये पेमेंट कर दोगे तो आपको नेक्स्ट में हम एलोकेशन नहीं देंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक मनमाना डिसीजन है बीएचयू का, ये मनमाना डिसीजन है, और ये मनमाने डिसीजन पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है? ये मनमाने डिसीजन पे एक्शन होना चाहिए। वीसी साहब प्लीज इसको आप थोड़ा सा सोचो कि ये किसी भी तरीके से बच्चों के करियर के फेवरेबल नहीं है, उनके हित में नहीं डिसीजन लिया गया, ये बहुत गलत डिसीजन है। आपको कोर्स ट्रांसफर का ऑप्शन देना पड़ेगा, और भले एक राउंड के बाद अब जाके पॉपअप मैसेज, क्योंकि देखो आपको एक काम करना है, ठीक है, आपको एक काम करना है कि आप जो एक पेमेंट ले रहे हो उसी पे बात करो बच्चों कराने के लिए, तो ये वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चों को बताओ वहां पे पेमेंट के टाइम पे। एक जस्ट बच्चे से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपका जाके वो कैटलॉग पढ़े, जहां पे कैटलॉग में आपने उस चीज को क्लियरिफाई बहुत अच्छे से नहीं किया है, जस्ट वन एंड हाफ लाइन कांट बी डिसाइड योर फुल ट्रांसफर ऑफ कोर्स प्रोसेस। उसमें भी ये चीजें इतनी हार्डली लिखी गई हैं इन इंग्लिश की बच्चों को समझना बहुत डिफिकल्ट है। पहले लाइन में आप बोल रहे हो इफ मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड चूज वाइली द अपग्रेड ऑप्शन, वो भी लिखा हुआ इफ मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड। भाई एक बात बताओ, आप एक ही टाइम पे दोनों कोर्स ऑफर हुआ था क्या? बच्चों को लॉ और होम साइंस, या लॉ या पॉलिटिकल साइंस, या जिनकी जीडीपीआई बाकी है, आप ये भी ध्यान रखो भी जीडीपीआई बाकी है, जब उनका आएगा कोर्स एलोकेशन तो क्या ये फ्यूचर देख के डिसाइड कर लेंगे? आप तो यहाँ पे पेमेंट डेट टाइम दे रखे हो, पॉलिटिकल साइंस का नहीं करोगे तो सीट चली जाएगी। बच्चा आज पॉलिटिकल साइंस का पेमेंट करके बैठा हुआ है और उसको एक दिन बाद दूसरा कोर्स आता है, तो जाहिर सी बात है अभी अगर एक बार मुझे आप सर्टिफाई कर भी दोगे ना कि देखो भाई नीर यहाँ पे बच्चे की गलती ये है कि जब ये दोनों कोर्स आया तो उसने पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज किया, ठीक है, आप ये बात मुझे बोलोगे, मैं कहूंगा कि आज आप इसको बोल रहे हो, कल अगर इसी बच्चे को जीडीपीआई का कोर्स आ गया तब क्या करोगे? फिर तो कोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपीआई तो कॉमन कोड में आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ साइंस भी करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके बैठे, मैं पॉलिटिकल लेके बैठे होंगे, लॉ लेके बैठे होंगे, लेकिन कल उनको लाइफ साइंस में मिल जाएगा तो इसको छोड़ने लगेंगे, या फिर सॉरी जीडीपीआई में ले लेते हैं, जीडीपीआई में एमबीएमआईआर ले लेते हैं, एमबीए ले लेते हैं, आईआरडीएम सॉरी सीसी ले लेते हैं, ये सब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जीडीपीआई में आते हैं। आप अभी लॉ लेके बैठे होंगे और आप उनको बाद में जब जीडीपीआई का रिजल्ट आएगा और वही बच्चे अगर मेरिट में आएंगे तो क्या उन्हें आप कोर्स नहीं दोगे? तो ये चीजें लैग कर रही है, एडमिशन यहाँ पे लैग कर रहे हैं, और शुड बी सॉल्व दिस प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी सीएससी मेंबर से, बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर अपने बीएचयू बीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई बच्चों की गर्मी और ना बढ़ाएं इस गर्मी में, और बच्चों के हित में डिसीजन लिया जाना चाहिए, और ये पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आप सामर्थ और बीएचयू के जो सीएससी मेंबर्स उनके बीच में एक अच्छा सा गठबंधन करा के इसका सही निर्णय निकालें, जिससे बच्चों का करियर बन सके, और हमेशा आप समाधान पे बात करो ना कि समस्याओं पे बात करो। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर, और अपने बच्चों से निवेदन है ये वीडियो आज जरूर शेयर होना चाहिए, और वीडियो में जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, ट्विटर हैंडल है उस पे जाकर रिट्वीट मारो, अपने फायदे के लिए मारो। भाई आज अगर इतना नहीं दिखाओगे तो लोग मेरे ऊपर कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हाँ भाई ये गलत बोल रहा है, ये मिसलीडिंग कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। तो आपका समर्थन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स पे कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, कोई भी कवर अप नहीं करेगा। ये मेरी डेयरिंग है, ये मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि मैं इस चीज पे अल्लाह के वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल को पता भी नहीं चला होगा, और ये टाइप्स ऑफ अवेयरनेस है, ये कोई मिसगाइड नहीं है। सीएससी मेंबर्स को कहना चाहूंगा ये अवेयरनेस है, मैं तो बता दे रहा हूं कि देखो पहला करोगे दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो प्लीज आपसे निवेदन, जितने स्टूडेंट्स हैं
वो बस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और सीएसी को जो भी नंबर मैसेज कॉल है उससे आप बोलो, और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है कॉन्टेक्ट बीएचयू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वहां पे जाओ और वहां पे जाके बात करो। कोई भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा तो गलत नहीं है, अपने राइट्स के लिए आप ऑफिस जाके बात करो। इसके लिए मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि इसका सलूशन घर बैठे नहीं है, अगर इस तरीके की चीजें हो रही है तो आप ऑफिस चले जाना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मेरे आते ही जरूर देखना, जो भी चीजें रहेंगी मैं आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव।